Dear guests and our dear parents, we have with us a very special guest, our dear family member, Mrs. Priya Suri, a very dear member of Surajbhan DAV family, who is here to grace the occasion with two little children. I request our dear principal ma'am to formally welcome Mrs. Priya Suri. We thank you, ma'am, to be a part of our celebrations. थैंक यू सो मच मैम की ओर जहाँ पर सभी देवतागण विराजमान हैं और रामायण की शुरुआत होती है. विष्णु जी देवी लक्ष्मी के साथ वैकुंठ में बैठे हैं, तभी वहाँ इंद्रदेव और धरती माँ प्रकट होते हैं. सभी विष्णु जी से आग्रह करते हैं कि प्रभु हमारी रक्षा करें. विष्णु जी कहते हैं, जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, नारी के सम्मान का
उसका हनन होता है तब शक्ति स्वयं उसका अंत करती है। प्रत्येक प्राणी को समझना आवश्यक है कि नारी ही शक्ति है, नारी भक्ति है, नारी शक्ति है, नारी भक्ति है, नारी शक्ति है, नारी भक्ति है, नारी शक्ति है, नारी भक्ति है। जब जब धरती पर अत्याचार अपना फन उठाएगा तब तब उस अभिमानी का अंत होगा, असत्य का नाश होगा और एक ही जय घोष गूंजेगा, सत्य में जयते, सत्य में जयते, सत्य में जयते, सत्य में जयते, सत्य में। अब मैं धरती पर जन्म लूंगा और मेरी कर्म भूमि होगी अयोध्या। और इस प्रकार ईश्वर से संकेत पाकर वहां अयोध्या में निसंतान राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति यज्ञ करते हैं और कुछ समय पश्चात एक सैनिक महल में दौड़ा दौड़ा आता है और घोषणा करता है। राजमहल में राजा दशरथ सभा जनों से बधाई लेते हैं। बधाई हो महाराज, बधाई हो, आज पूरी अयोध्या के लिए बहुत खुशी का दिन है। पूरी अयोध्या को सजाया जाए और नगर वासियों में मिठाई बांटी जाए। तभी चारों राजकुमारों को लेकर तीनों रानियां गुरु वशिष्ठ के पास आशीर्वाद लेने आती हैं, महारानी कौशल्या, सुमित्रा एवं कैकेयी। प्रणाम गुरुदेव, राजकुमारों को आशीर्वाद दे। आ कितने सुंदर राजकुमार हैं, आयुष्मान भव। महाराज इनके शुभ चरणों से अयोध्या की सूखी भूमि खिल उठी। गुरुदेव समय आने पर
प्रकार राम जन्म उत्सव मनाया जाता है। एक और जहाँ अयोध्या की भूमि राम चरणों से खिल उठी, वहीं दूसरी ओर मिथिला की भूमि अकालग्रस्त है। चारों ओर हाहाकार मची हुई थी। तभी राजा जनक के दरबार में वहाँ के प्रजाजन आते हैं और कहते हैं, महाराज 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 महाराज, पूरे राज्य में अकाल हो गया है, चारों ओर सूखा पड़ा है, हमारा कष्ट दूर करे महाराज दूर करे। स्थिति अत्यंत चिंताजनक है, प्रजा की समस्या हमसे देखी नहीं जाती। गुरुदेव आप ही इस समस्या का कोई समाधान बताइए। राजन, इस समस्या का एकमात्र समाधान है भूमि पूजन। इसे इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और धरती माँ प्रसन्न होकर खिल उठेगी। जो आज्ञा गुरुदेव, भूमि पूजन की तैयारी की जाए। इस प्रकार गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा जनक भूमि पूजन का आयोजन करते हैं और स्वयं पूजन के लिए खेतों की ओर चलते हैं। उनके साथ साथ गुरुदेव एवं समस्त प्रजाजन भी भूमि पूजन के लिए आते हैं। सर्वप्रथम गुरुदेव हल्का तिलक अभिषेक करते हैं। उसके पश्चात भूमि पूजन का शुभ आरंभ होता है। राजा जनक स्वयं हल चलाना आरंभ करते हैं। धीरे 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 महाराज कोशिश करते हैं और हल चलाना आरंभ करते हैं। हल धीरे धीरे चलता है, तभी अचानक हल किसी वस्तु से टकराता है और महाराजा हल चलाना रोक देते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या है। वहां उन्हें एक सुंदर सा सुनहरी संदूक मिलता है। राजा जनक संदूक के पास जाकर देखते हैं। राजा जनक स्वयं संदूक खोलते हैं और देखते हैं उसमें है क्या। अरे, उसमें एक सुंदर दिव्य कन्या उन्हें मिलती है। निसंतान राजा जनक उस कन्या को पाकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उसे ईश्वर का वरदान मानकर अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करते हैं। वर्षा होने लगती है और मानो सीता के नन्हे कदमों से मिथिला की धरती पावन हो उठी। बरसों से छाया अकाल दूर हो जाता है और चारों ओर सीता जन्म उत्सव मनाया जाता है। दिखाई
धीरे धीरे समय का पहिया घूमता है। उधर अयोध्या में चारों राजकुमार बड़े हो जाते हैं और गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने पहुंचते हैं। चारों राजकुमार गुरु वशिष्ठ के साथ आश्रम में विराजमान होकर मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शिक्षा पूर्ण हुई, अब हमें राजमहल चलना चाहिए। चारों राजकुमार अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और गुरु के चरण स्पर्श करते हैं। उसके पश्चात चारों राजकुमार आश्रम में सभी गुरु और गुरु माताओं से आशीर्वाद लेकर वहां से विदा लेते हैं और राजमहल की ओर प्रस्थान करते हैं। सबसे आगे गुरुदेव, उनके पीछे राम, लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न, चारों गुरुदेव के साथ अयोध्या की ओर बढ़ते हैं। तभी एक सैनिक दौड़ा दौड़ा आता है और महाराज को उनके आने की सूचना देता है। चारों राजकुमारों का भव्य स्वागत होता है। नगर में खुशी की लहर दौड़ने लगती है। चारों ओर राजकुमारों के तेज की चर्चा होने लगती है। अब चारों युवराज महल में प्रवेश करते हैं। प्रणाम गुरुदेव, आयुष्मान भव। राजन, मैंने अपना दायित्व पूरा किया। धन्यवाद गुरुदेव। चारों दिशाओं में राजकुमारों की प्रशंसा होने लगती है। समय के साथ साथ उनका यश ऊंचा होने लगता है और उनके विवाह के विषय पर चर्चा होती है। राजा दशरथ सभासदों के साथ चर्चा कर ही रहे होते हैं, तभी एक सैनिक दौड़ते हुए आता है और महाराज को सूचना देता है। यह खबर सुनकर राजा दशरथ हैरान हो जाते हैं, क्योंकि मुनि विश्वामित्र ऐसे ही कहीं आते जाते नहीं थे। वह स्वयं एक राजा थे जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था और सिद्धाश्रम नामक आश्रम का निर्माण किया। राजा दशरथ स्वयं उनका स्वागत करते हैं। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। आइए गुरुदेव, अपना स्थान ग्रहण करें। कुछ देर रुकने के पश्चात आज्ञा दे गुरुदेव, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? वचन दो, जो मांगूंगा मिलेगा। मैं वचन देता हूँ, कुछ ससुरों ने हमारे आश्रम में आतंक मचाया हुआ है, उनके संघार के लिए मुझे राम चाहिए। मुनि विश्वामित्र की बात सुनकर मानो उनके दिल पर बिजली गिर गई हो और दरबार में सन्नाटा छा जाता है। कुछ देर बाद चुप्पी तोड़ते हुए महाराज कहते हैं, राम नहीं, राम नहीं, आपने वचन दिया है महाराज। विश्वामित्र के हट व वचनबद्ध होने के कारण दशरथ निसहाय हो गए और रघुकुल की रीति को पूरा करने के लिए दिल पर पत्थर रख उन्होंने राम लक्ष्मण को मुनि विश्वामित्र के साथ जाने का आदेश दिया। जाओ राम, जाओ।
पिता की आज्ञा पाकर राम लक्ष्मण मुनि के साथ ताड़का वन की ओर प्रस्थान करते हैं। रघुकुल की रीति को पूरा करने के लिए दोनों राजकुमार गुरुदेव के साथ ताड़का वन पहुँचते हैं और राम ताड़का का आवाहन करते हैं। ताड़का, ताड़का, तुम कहाँ हो ताड़का? आशीर्वाद के साथ राम बाण धनुष में साध कर ताड़का पर चलाते हैं और वे आहत होकर गिर जाती है। इस प्रकार ताड़का का अंत होता है। राम और लक्ष्मण गुरुदेव से आज्ञा लेते हैं। गुरुदेव हमारे लिए क्या क्या है? राम, मैं तुम्हें मिथिला ले जाना चाहता हूँ। मेरी इच्छा, तुम भी शिवधनुष देखो। जो आज्ञा गुरुदेव। और इस प्रकार गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राम और लक्ष्मण गुरुदेव के साथ मिथिला की ओर प्रस्थान करते हैं, जहाँ मिथिला नरेश ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया है। विदेहराज उनके रहने की व्यवस्था करते हैं और अगले दिन जब जनक दरबार में चारों ओर खुशी और उत्सव की लहर है और सीता की सहेलियां हंसी और ठिठोली करती हुई हैं। ना
इस प्रकार सीता स्वयंवर का आयोजन होता है। राजा जनक दरबार में पधारते हैं और सभी दरबारी जय जयकार कर उठते हैं, महाराजा जनक की जय हो। स्वयंवर का शुभ आरंभ होता है। सबसे पहले जयपुर के महाराज आएंगे। अब मगध के राजा आएंगे। प्रकार धनुष उठाना तो दूर मेरी पुत्री का योग्य नहीं। नहीं महाराज, आपका ये करन उचित नहीं है। मेरे भैया राम सबसे योग्य हैं। अब आएंगे अयोध्या के राजकुमार राम। राम सर्वप्रथम गुरुदेव से आज्ञा लेते हैं। गुरुदेव आप क्या थे? उसके पश्चात जय भवा। उसके पश्चात वे महाराज से आज्ञा लेते हैं। जय भवा। उसके पश्चात राम उस महान शिव धनुष को प्रणाम करते हैं और धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। प्रत्यंचा चढ़ाते हुए वह धनुष टूट जाता है और वचन के अनुसार सीता का विवाह राम से सुनिश्चित होता है। राजा जनक अत्यंत प्रसन्नचित होते हैं और अपनी पुत्री सीता को आमंत्रित करते हैं। आओ पुत्री सीता, आओ। सीता राम को वरमाला पहनाती हैं और राम सीता को वरमाला पहनाते हैं। सभी दरबारी जय जयकार कर उठते हैं। सीता राम की जय हो, सीता राम की जय हो।